बुधेश्वर नाथ मंदिर और बताऊंगा वहाँ की कहानी, आपको पूरे मंदिर में विजिट कराऊंगा। साथ ही साथ आज मंडे भी है, तो फिर चलिए आज का दिन है भगवान महादेव का, देवों के देव महादेव। अगर आप गाज़ियाबाद से हैं और अपनी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सपोर्ट करिए गाज़ियाबाद। मिलते हैं फिर ऑन द वे। वैसे तो दूधेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, लेकिन फिर भी आप जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गाज़ियाबाद के जस्ट पास से एक रास्ता गई है, आपको वहाँ पर एक बड़ा सा गेट दिख जाएगा, श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर द्वार। इस मंदिर द्वार को आप देख सकते हैं और जाने के बाद इसमें प्रवेश करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, वहाँ पर आपको 100 मीटर के दायरे में ये मंदिर आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, छोटी मोटी शॉप्स भी आपको दिख जाएंगी, और एक ये छोटा सा गेट देखेगा जो कि ओम नमः शिवाय जहाँ पर लिखा हुआ है। बाहर से आप फूल मालाएं खरीद सकते हैं और उसके बाद इस गेट में एंट्री कर सकते हैं। बाहर आपको थोड़ी बहुत भीड़ ज़रूर मिल सकती है और मंडे का दिन है तो थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा भीड़ आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको अलग सी फीलिंग आएगी और सामने आपको जो दिखेगा भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव देवों के देव महादेव। लेकिन मैं उससे पहले आपको इस मंदिर के भ्रमण करा देता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप जाते हैं आपको एक फूल माला की दुकान जरूर दिख जाएगी। महादेव का जो मेन मंदिर है उसके दोनों साइड प्रतिमा लगी हुई है, एक शंकर पार्वती और पास में गणेश जी और गौरी जी की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन आप इस मंदिर के दर्शन करने से पहले मैं आपको इस मंदिर के चारों तरफ घुमा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में प्राचीन घुना गद्दी का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर भगवान महादेव विराजमान रहते हैं, आप उनके दर्शन जरूर कीजिए। जब भी इस मंदिर में जाएं तो इनके दर्शन जरूर आप कर सकते हैं। मंदिर परिसर में एंट्री करने के बाद आप राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, बगलामुखी देवी जी की प्यारी प्रतिमा, आप वहां जरूर जा सकते हैं और उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी बहुत प्राचीन है। रावण ने यहां पर घोर तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और भगवान श्री महादेव के इतिहास को आप पढ़ सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं दूधेश्वर वेद विद्यालय भी यहाँ पर चलाया जाता है। जब मैं नीचे गया तब मुझे पता चला कि यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, एक विद्यालय है जहाँ पर वेदों की पढ़ाई की जाती है। तो संस्कृति हमारे गाज़ियाबाद में अभी भी जिंदा है, इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। और जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा भी कि यहाँ पर विद्यार्थी वेदों का पठन कर रहे थे, पाठ्य पठन कर रहे थे, यानी कि पढ़ रहे थे। वेद विद्यालय देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, इस वीडियो को एक लाइक आपका तो बनता है और साथ ही साथ शेयर तो आपका बनता ही बनता है। औरों को बताइए कि गाज़ियाबाद में ये विद्यालय भी है, आपको पता था हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं पता था तो भी हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे कि उन्हें भी इस बात का पता चले। जहाँ पर महादेव विराजमान है उसके जस्ट बाहर की ये नक्काशी है, इस नक्काशी को देखकर मेरा मन मोहित हो गया। अगर आप आए होंगे ना तो आपको पता ही चल गया होगा, ये लंबी कतारें हैं सिर्फ और सिर्फ महादेव के दर्शन का वेट कर रही हैं, और थोड़ी सी देर में शुरू होने वाली है यहाँ पर महाआरती। अद्भुत आरती को देखने के लिए आपको सोमवार वाले दिन यहाँ पर आना पड़ेगा, और हाँ अगर आप आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आरती अभी ख़त्म नहीं हुई है, चलिए फिर आगे चलते हैं। भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की आरती भी की जाती हैं। भगवान शिव के साथ ही यहाँ पर अन्य बहुत सारे देवी देवताओं का वास भी यहीं पर है।
सोमवार वाले दिन मंदिर परिसर में भीड़ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। रात को 9 से 9:30 बजे तक भी भीड़ और 10 बजे तक भी भीड़ रहती है, क्योंकि 7:30 बजे आरती का टाइम होता है जो कि लगभग 8:30 बजे 9:15 बजे ख़त्म होती है। उसके बाद जितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो धीमे धीमे दर्शन करके बाहर निकलती है। तो इस भीड़ को ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन सोमवार वाला दिन होता ही भगवान महादेव का है तो पूरे दिन ही भीड़ रहती है। दर्शन करने के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको अलग सी संतुष्टि मिलेगी। ये है नंदी महाराज। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो नंदी महाराज के आपको दर्शन हो जाएंगे। नंदी महाराज जी शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और उसके बाद प्रभु महादेव के शिवलिंग के आपको दर्शन आगे होंगे। तो ये था पूरा वीडियो। आप दूधेश्वरनाथ मंदिर आए हैं, भगवान के लिए आपकी श्रद्धा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, श्रद्धा है नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान आपका भी भला करे। और हाँ, अगर नहीं गए इस मंदिर तो जाइए, अलग सी शांति मिलती है। और रात के 9:30 बज गए थे, मंदिर के दर्शन किए, फिर मैं अपने घर के लिए निकला और घर निकलने के बाद जो शांति मिलती है ना आज के दिन, वो कुछ अलग ही है। गाज़ियाबाद की और भी वीडियोज़ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर बना के डालूँगा। मैं चाहता हूँ कि गाज़ियाबाद शहर को और भी ज़्यादा फेमस किया जाए, गाज़ियाबाद फेमस हो, क्योंकि ये मेरा शहर है, भारत की सनातन संस्कृति का शहर है। बहुत स्कोप है गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद को फेमस करना चाहता हूँ। जहाँ पे भी जाए गाज़ियाबाद फेमस हो, गाज़ियाबाद का दूधेश्वरनाथ मंदिर फेमस हो और सारी की सारी चीज़ें फेमस हो। तो अगर आप गाज़ियाबाद से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस मंदिर में सनातन संस्कृति अभी भी जिंदा है, वेदों का पाठ्य पठन यानी कि वेदों को अभी भी पढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर ही आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको गाज़ियाबाद की वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।